एक बार इस बटन को प्रेस किया, लिखा भी गया पुश बटन, यानी कि मैंने इस बटन को दबाया, कॉल कनेक्ट होगी, कॉल रिंग होगी, कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। ये माइक है, इससे आवाज़ आएगा, इससे हम अपनी समस्या को बता सकेंगे और जो भी बगल का टोल प्लाजा है वहाँ पर हमारी समस्या जाएगी और वहाँ से हम तक मदद पहुँच पाएगी। लेकिन क्या इस इमरजेंसी बूथ से लोगों तक सहायता पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ये खराब हो पड़ा है मेरे बगल में जो इमरजेंसी बूथ इस वक्त मौजूद है। और ये हम दिखाना चाहते थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी अधिकारी हैं वो देखेंगे तो जरा इस इमरजेंसी बूथ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिहार में इन दिनों राजनीति की सरगर्मियां काफ़ी तेज है, 17 महीने बनाम 17 साल की होड़ मची है, लेकिन एक सवाल बिहार के 13 करोड़ की जनता के पास में है कि आखिर जो बिहार में विकास किए जा रहे हैं वो हाईवे की बात करें या ग्रामीण सड़कों की बात करें या बाकी और भी स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा व्यवस्था हो, किसी क्षेत्र के अगर विकास की बात करें तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा ये हो रहा है कि आखिर विकास हो किसका रहा है? भ्रष्टाचारियों का विकास हो रहा है या विकास का विकास हो रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो टेलीफोन बूथ जो हाईवे के बगल में लगाए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें जो इसमें ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं, क्या वो सही गुणवत्ता के साथ लगाए गए हैं? जो इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया गया है या जो भी इसमें जिस कंपनी का इसमें टेलीफोन बूथ लगाया गया वो सही मानक के द्वारा इसकी जांच की गई है? सही मतलब कि जो कंपनियां हैं वो ओरिजिनल है, उसकी गारंटी कितनी है? क्योंकि सवाल ये इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज के दौर में ये बूथ जो है, इमरजेंसी बूथ, जो अगर किसी को समस्या होगी, परेशानी होगी, तो सड़क के किनारे आपको दिखाई देंगे। लगाए गए इसलिए हैं क्योंकि लोग इससे मदद मांग सकेंगे, लेकिन इसका काम अब फेलियर हो चुका है, ये पूरा का पूरा फेल हो चुका है। अगर इसके बटन को अगर हम प्रेस करके दबाएंगे तो इससे कोई आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। हमने एक बार इस बटन को प्रेस किया, लिखा भी गया पुश बटन, यानी कि मैंने इस बटन को दबाया, कॉल कनेक्ट होगी, कॉल रिंग होगी, कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। ये माइक है, इससे आवाज़ आएगा, इससे हम अपनी समस्या को बता सकेंगे और जो भी बगल का टोल प्लाजा है वहाँ पर हमारी समस्या जाएगी और वहाँ से हम तक मदद पहुँच पाएगी। लेकिन रोड के उस साइड भी आपको एक ऐसा ही इमरजेंसी फोन बूथ आपको दिखाई देगा जो कि वो भी खराब पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी गुणवत्ता मानक चेक कौन करेगा? जो जिस कंपनी के द्वारा इसको लगाया गया है, क्या उसने इसको लगाने में भी भ्रष्टाचार कर दिया? क्योंकि कई महीने से यहाँ पर दिखाइए कि बगल में मकान और घर बनाए जा रहे हैं और ये लोग देखते हैं कि इसकी सुरक्षा की जाए, ये लोग भी समझदार है, ताकि जो है कि इस इमरजेंसी टेलीफोन बूथ पर लोग आके अपनी समस्या बता सकेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी करेंगे आप लोग, सोच भी रहे होंगे कि जितने बच्चे हैं वो आते होंगे, इसके साथ छेड़छाड़ करते होंगे, ख़राब हो जाता होगा, लेकिन ख़राब होने के बाद ठीक करने की जिम्मेवारियाँ किसकी है? जिसने लगाई उसकी जिम्मेवारियाँ हैं। क्या आप 6 महीने भी गारंटी का वादा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री तो गारंटी का वादा करते हैं, लेकिन लगाने वाली कंपनियां गारंटी का वादा क्यों नहीं करती है? ये सवाल तो है ना, क्योंकि जिस जनता, जिस लोगों के लिए, जिस सहायता के लिए आपने ये इमरजेंसी बूथ बनाया है, अब वो कहां पर जाकर सहायता मांगेंगे? ये 100 पीस में तो आपको खड़ा है, यहाँ पर 100 रोड का, सड़क का जो सौंदर्यीकरण है वो तो बढ़ा रहा है, यहाँ पर खड़ा है अपने आप, अपने इस खंभे पे लोहे वाले जो साइड से जो ग्रिल लगाए गए हैं वो अपने इसकी सुरक्षा में, ताकि इसको ख़राब ना किया जा सके, लेकिन ये तो खुद ख़राब हो पड़ा है। अब इसके सोलर से लाइट इसके पास नहीं पहुंच पाती है, ये पहला सवाल है। क्या कारण ये भी हो सकता है कि जिस कंपनी ने, जिसके अंदर जो मशीनें लगी हैं वो, क्या वो गलत बिना मार्का वाली कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनियां लगाकर चली गई हैं? ये भी एक अपने आप में सवाल ही, हम सवाल कर रहे हैं, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, जाँच का विषय। अगर इस पर जाँच किया जाएगा एक लाइन से, जो NH 922 है, जो पटना से अगर आप चलिएगा, आरा कोइलोर होते, बक्सर होते, आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते से ये जोड़ता है, ये सड़क NH 922, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे इमरजेंसी बूथ लगाए गए हैं, लेकिन क्या इस इमरजेंसी बूथ से लोगों तक सहायता पहुँच पा रही? नहीं पहुँच पा रही, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ये खराब हो पड़ा है मेरे बगल में जो इमरजेंसी बूथ इस वक्त मौजूद है। और ये हम दिखाना चाहते थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी अधिकारी हैं वो देखेंगे तो जरा इस इमरजेंसी बूथ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। शायद उनको अगर आंखों में शर्म होगा तो इसमें आकर सही क्वालिटी गुणवत्ता वाला इमरजेंसी बूथ इसमें इंस्टॉल करेंगे और ओरिजिनल कंपनी का जो सोलर लाइट है वो लगा सके, क्योंकि इतनी
तपती धूप में जब ये सोलर लाइट काम नहीं कर रहा था, तब समझिए कि कितना बड़ा इस इमरजेंसी बूथ के साथ में जो टेलीफोन बूथ है उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से महज अगर हम चलेंगे तो 20 से 30 किलोमीटर पे आगे टोल प्लाजा है और इसके पीछे भी आपको 20 से 25 किलोमीटर पे टोल प्लाजा, दो दो टोल प्लाजा आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी जो ऑपरेट करते हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी जो पोस्टेड है, जो तैनात है दोनों टोल प्लाजा पे, वो इसकी निगरानी और इसकी सुरक्षा का ख्याल क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और हमारे साथ बिहार की 13 करोड़ की जनता पूछ रही है भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो सड़क परिवहन विभाग के जो मंत्री इस वक्त वर्तमान में बैठे हैं माननीय नितिन गडकरी जी, जरा देखिएगा कि बिहार के लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और आप बिहार में राजनीति की बिसात और राजनीति की सरगर्मियों को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण प्रमाण हम बिहार की धरती से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।